गरीब की बेटी। एक दिन रोशनी की दादी खाना बना रही थी, तभी रोशनी अपने दादी के पास जाती है और अपने दादी से कहती है कि दादी, मैं शहर में पढ़ने जाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। अगर मैं शहर में पढ़ने जाऊँगी तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा और हम सब इस टूटे से मकान में नहीं रहेंगे। हम लोग एक नया मकान खरीदेंगे और उसी में रहेंगे और फिर जाकर मैं वहाँ से आप नौकरी पा जाऊंगी तो आपको लेकर भी वहीं चलूंगी। ठीक है बेटा, तुम चले जाना, लेकिन मैं यहाँ पर अकेले पड़ जाऊंगी। मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम तो चली जाओगे पढ़ने के लिए। अगर यहाँ पर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो रोज बीमार रहती हूँ। मेरे दवाई टाइम से मुझे कौन खिलाएगा बेटा? अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मन लगाकर पढ़ना, किसी से कुछ मत कहना बेटा। तभी रोहिणी ये सब सुनकर अपने दादी जी की पैर छूने चली जाती है। अपने दादी की पैर छूने के बाद वह शहर की ओर रवाना हो जाती है और धीरे धीरे गांव से निकलकर कुछ घंटे बाद रोशनी शहर में पहुंच जाती है। और शहर में गुजरते गुजरते वह अपने रूम की ओर बढ़ने लगती है। और अपने रूम पर पहुंचने के बाद वह रूम पर पहुंच जाती है और अपने सोफे पर बैठ जाती है। 2 घंटे बाद वह स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाती है और फिर वह स्कूल की ओर जाने लगती है। शहर से गुजरते हुए वह भीड़ भकड़ों वाली जगह से वह जा रही थी, तभी वह एक बहुत बड़े स्कूल के पास पहुंच गई। और स्कूल में जाने के बाद वह स्कूल को देखकर बहुत खुश हो गई थी। और कैबिन में जाने के बाद वो मैनेजर के पास गई और मैनेजर से बोला कि सर, मुझे एडमिशन करवाना था। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे आपके स्कूल में अगर एडमिशन मिल जाती तो मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करती। सर, मुझे एक बार चांस दे दीजिए आपके स्कूल में पढ़ने का। तुम्हारा एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि एडमिशन फीस 2 लाख रुपए होती है बड़े स्कूलों में। अगर तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हैं तो तुम देकर एडमिशन करवा सकती हो। अगर नहीं है तो फिर तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर रोशनी बहुत चिंतित हो जाती है और स्कूल से बाहर आ जाती है और अपने रूम की ओर जाने लगती है। तभी वह फिर से भीड़ और भक्कड़ों वाले जगह से गुजरते गुजरते बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले शहरों से गुजर रही होती है। और गुजरते गुजरते वह यह सोचती है कि अब मेरा क्या होगा। अपने रूम पर पहुंचने के बाद उसे बहुत दुख हुआ और फिर वह बैठकर सोफे पर अपने माँ के बारे में सोचने लगती है और उसको घर की याद आ जाती है। तभी उसकी माँ गांव में डेड हो जाती है और फिर जाकर उसकी माँ को मरे देखकर पड़ोसन आके रोने लगती हैं। और उन लोगों को रोते देख किसी ने उसकी बेटी को खबर कर दी और फिर उसकी बेटी यह बात सुनकर जल्दी से शहर से गांव की ओर लौटने की तैयारी करने लगी। और फिर जाकर वह बिल्डिंगों वाले शहरों से गुजरते हुए अपने गांव की ओर जाने लगती है। धीरे धीरे कर कर वह अपने गांव की ओर आ जाती है और फिर अपने गांव से गुजरते हुए वह अपने घर की ओर जाने लगती है। और अपने घर पर आकर अपनी कुछ माँ को साल बाद मरे की देख बात कर है, बहुत तेजी से रोहिणी रोने शादी लगती कर है कर और सेटल फिर हो रोते जाती रोते है वह अपने पति के साथ रहने लगती थी। एक दिन की बात है, रमेश अपने माँ के पास आता है और वहाँ पे खड़े होकर अपने माँ से कहता है कि मेरी
मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और अब मैं शहर में कमाने के लिए जाने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ही कमाने के लिए रवाना हो जाऊँ, क्योंकि घर के हालात देखकर मुझे अब और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग इस गरीबी में कैसे जी रहे हैं मुझे पता है। बेटा, अगर तू कमाने के लिए चला जाएगा तो हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? घर में अगर कोई परेशानी हुई तो हम दोनों कहाँ जाएंगे, किसको बुलाने जाएंगे? बेटा, तुम ही बताओ, हम दोनों अकेले रहेंगे कैसे? रह पाएंगे अकेले? अगर तुम्हारे ढेर जाने का मन है तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम वहाँ पर जाने के बाद बहुत मन से काम करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना बेटा, बहुत खराब जगह होती है उस शहर। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम वहाँ पर जाओ और अच्छे से मन लगाकर कमाना। अगर कोई भी तकलीफ और दिक्कत हो तो हमें फोन करके जरूर बता देना बेटा, क्योंकि हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र होगी। तुम वहाँ पे चले जाओगे, तुम जाओगे तो हमें बहुत दुख होगा, लेकिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा हम दोनों के लिए, कमाने के लिए। अगर तुम नहीं जाओगे तो ऐसी भूखी हालत में हम कुछ दिन बाद सड़क पर आ जाएंगे बेटा। अगर तुम जाओगे तो पैसा भेजोगे तो बहुत मन से काम करोगे, तभी हम दूसरा और अच्छा मकान ले पाएंगे बेटा। तभी रमेश अपने माँ का और अपने पिताजी का पैर छूने लगता है, और पैर छूने के बाद वे शहर में जाने के लिए रवाना हो जाता है और शहर की ओर बढ़ने लगता है धीरे धीरे। शहर में 2 दिन बाद वे शहर में पहुंच जाता है, और शहर में पहुंचने के बाद वो अपने रूम की ओर बढ़ने लगता है और अपने रूम पे भी पहुंच जाता है। अपने रूम पे पहुंचने के बाद वो अपने घर पे फोन लगाकर बात करने लगता है, अपने माँ से फोन में बात करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं पहुँच गया हूँ, कोई भी चिंता हो मत लेना, और कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं यहाँ से पैसा भेज दूँगा। तुम दोनों लोग बहुत आराम से रहना, काम करने किसी का मत जाना, मैं जितना हो सके उतना मदद करूँगा। और फिर बैठ जाता है अपनी माँ के घर के हालातों के बारे में बहुत देरी तक सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ रमेश के घर आता है और आकर कहता है उसकी माँ से कि मेरे खेत का कर्जा कब दे रहे हो रमेश के बाबूजी? अगर मेरा कर्जा जल्दी नहीं लौटाए तो मुझे मजबूरन तुम्हारा घर हड़पना पड़ेगा, इतना तो तुम्हें पता ही है, कर्जा ना देने पर तुम्हारा घर तुमसे छिन जाएगा। तभी रमेश के बाबूजी खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं सेठ जी, नहीं, ऐसा आप मत करिए, मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दे दीजिए, मैं आपका कर्जा अवश्य लौटा दूंगा। अगर आपका कर्जा नहीं लौटाता हूँ तो आप मेरा घर ले लीजिएगा, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए टाइम दे दीजिए, मेरा बेटा कमाने गया है, कमा कर आएगा तो मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। तभी रमेश की माँ कहती है कि हाँ सेठ जी, रमेश के बाबूजी सही कह रहे हैं, मैं आपका कर्जा जरूर ही लौटा दूंगी कुछ दिनों में, आप घबराइए नहीं। तभी सेठ ये सुनकर वहां से लौट जाता है अपने घर की ओर, और उन दोनों उसे देखकर चिंतित हो जाते हैं। 2 साल बाद रमेश अपने घर आता है और अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आता है और अपने बाबूजी से कहने लगता है कि बाबूजी, मैंने इस लड़के से शादी कर ली है, अब ये हमारे साथ, हम लोगों के साथ इसी घर में रहेगी, और अब ये हमारे साथ इस घर में रहेगी और हम लोगों का हाथ बटाएगी और आप लोगों का सारा काम करेगी, आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा, सभी काम ये कर सकती है। अभी उसकी माँ कहती है, नालायक, मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया था कि तू जाकर अपने मन से शादी कर ले, तू तो वहाँ पर कमाने के लिए गया था, तो ये क्या कर गया? क्या रे नालायक बेटे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू एक दिन इतना नीच काम कर देगा मेरे, हम लोगों के साथ, तूने ये क्या कर दिया? अगर तुझे शादी ही करनी थी तो तू हम लोगों से बताता, हम दोनों तेरी शादी करा देते, लेकिन तुझे अपने से शादी करके आने की क्या जरूरत थी, तू तो कमाने गया था ना। तभी रमेश की पत्नी बाबूजी की ओर हाथ करके कहती है कि
अरे बुड्ढे, तू शांत रहे, तू ढेर मत बोल। तेरे पास हिम्मत है तो तुम दोनों इसी घर से अब ही निकल जाओ। ये बात सुनकर उन दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और घर से तुरंत बाहर निकल। अमीर और गरीब का बंटवारा। एक दिन की बात है, सुनीता के ससुर जी का देहांत हो जाता है और उनके दोनों बेटे को बुलाया जाता है। वो दोनों अपने पिता को मरे देखकर बहुत तेजी से रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद की बात है, रमेश अपने बड़े भाई रोहन से कहता है कि भाई, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं शहर में जाकर काम करूँगा और वहाँ से पैसे भेजूँगा, तो तुम ये घर चलाना, ठीक है? और कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फोन करके बता देना, मैं पैसा भेज दूँगा। मैं जाऊँगा तो 1 साल के बाद ही लौटूँगा, ठीक है भाई? भाई इतना कहने के बाद रोहन घर से बाहर निकल जाता है शहर की ओर रवाना होने के लिए, और वो शहर की ओर चला जाता है। तभी तभी रोहन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगाना हो तो मुझे फोन करके बता देना, मैं वहाँ पर काम करूँगा, फिर वहाँ शाम के 6 बजे के बाद आऊँगा। मुझे बार बार परेशान मत करना फोन करके कि ये सामान लाना है, सब्जी लाना है, ठीक है? इतना सब कुछ कहने के बाद रोहन ऑफिस की ओर निकल जाता है और धीरे धीरे ऑफिस की ओर जाने लगता है। उसकी पत्नी दोनों भाइयों को इधर उधर जाते देख बहुत टेंशन में हो जाती है। तभी उसका बेटा बाहर से खेल कर घर के अंदर आता है और अपने माँ से कहने लगता है कि माँ, मेरे सारे दोस्त स्कूल पढ़ने जाते हैं और आप मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। मैं भी स्कूल में पढ़ने जाना चाहता हूँ। अगर मैं पढ़ने जाऊँगा तो एक दिन मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँगा और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माँ, इस घर में हम अब और नहीं रह सकते। इस घर में बरसात के समय में इतना पानी भर जाता है कि हमें छत पर जाना पड़ता है, और अगर मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गया तो हम लोगों को नए घर खरीदने में आसानी होगी। इतना सब सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग कितने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला कहाँ से करा दूँ? इतना सुनते ही सुनीता का बेटा गुस्से से बाहर की ओर जाने लगता है और बाहर की ओर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। घर में कोई भी काम हो करने के लिए अंदर चली जाती है। कुछ साल बाद की बात है, रमेश शहर से लौट कर अपने घर आता है। अपने साथ एक अपनी औरत को भी लेकर आता है। तभी जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, भैया भाभी इधर आओ, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। तभी उसके भैया भाभी आ जाते हैं। भैया देखो, मैं शादी कर लिया, ये मेरी पत्नी है और आज से ये इसी घर में रहेंगी। मुझे इससे प्यार हो गया था इसलिए मैंने इससे शादी कर ली, ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। तभी उसके भैया कहते हैं कि छोटे, तूने ये क्या कर दिया? दादाजी के मरने के बाद तूने तो अपना रंग और ढंग ही बदल डाला। शादी करनी होती तो तू मुझसे कहता, मैं तेरी शादी करवा देता। तू कहाँ से इसे उठा लाया? अभी जा और इसे वहाँ पर छोड़कर आ जहाँ पर ये थी। अगर ये घर में रहेगी तो हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, या फिर ये इस घर में रहे, या फिर हम दोनों इस घर में तीनों लोग रह सकते हैं, ये नहीं रहेगी इस घर में। तभी तभी सुरेश अपने भाई से बड़ी आवाज में कहता है कि आप दोनों इस घर से निकल जाओ, ये सिर्फ आप दोनों का घर नहीं, अब हम दोनों का भी घर हो गया है। अगर आप इस घर में रहेंगे तो हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर आप दोनों यहाँ से चले जाए तो कृपया करके बहुत मेहरबानी हो जाएगी, और अभी इसी वक्त आप दोनों इस घर से बेदखल हो जाएं तो ही अच्छा रहेगा। तभी वो दोनों नाराजगी से इस अपने प्यारे से घर से बाहर की ओर चले जाते हैं और ये दोनों देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।